इंडियन नेवी 4 दिसंबर यानी आज नौसेना दिवस मना रही है। इस बार नौसेना अपनी ताकत उड़ीसा के पुरी तट के पास ब्लू फ्लैग बीच पर दिखाएगी। भारत के तीनों सेनाओं की कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय नौसेना के प्रति अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त किया, जिसमें देश के समुद्री हितों की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है नेवी डे। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हमारे हवाई और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला कर दिया था। दुश्मन को उस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया और भारतीय नौसेना की मिसाइल नाव को और दो युद्धपोत के आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाज़ों के समूह पर हमला कर दिया। उस हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज तबाह होने के कारण पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई थी। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए हमले में 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट, 2 एंटी सबमरीन और 1 टैंकर शामिल थे और युद्ध में भारतीय नौसेना ने पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को सलाम करने के लिए 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई। जलमेव यश्च बलमेव तच्च, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है। आज के दिन हम उन सूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं।